आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कानपुर के पास एक जिला पड़ता है, हमीरपुर। उसी के पास एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है हिंगोटा। पुराने दिनों की बात है, हिंगोटा का रेलवे स्टेशन बस नाम ही काफी था। स्टेशन के नाम पर वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ रुकती थी। इन्हीं 2 मिनटों में यात्रियों को जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर उतरना पड़ता था। उस जमाने में उस रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसी अफवाह थी कि रात के समय वहाँ नहीं रुकना चाहिए। ऐसा क्यों था किसी को नहीं पता। इन बातों को बकवास समझकर मनोहर इत्मीनान से अपना बैग पैक कर रहा था। रात के 9 बज रहे थे। माँ ने उसे टोकते हुए कहा, अरे मीनू, तुझे मालूम है ना, रेलवे स्टेशन भूतिया है, रात में वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे माँ, ये सब बकवास है, पता नहीं तुम किसकी बातों में आ गई हो। वैसे भी मैं कौन से स्टेशन जा रहा हूँ, मैं तो बस अपनी बाइक से स्टेशन के पास से होता हुआ गुजरूंगा। मुझे हिंगोटा रेलवे स्टेशन से आगे हमीरपुर जाना है। इस पर माँ ने कहा, तो तुझे इतनी भी क्या जल्दी है, कल सुबह चले जाना। नहीं माँ, मेरा काम आज रात का है, मुझे अपने दोस्त से जरूरी मुलाकात करनी है, कल सुबह वो हमीरपुर से इलाहाबाद के लिए निकल जाएगा। ठीक है, पर देख, तू रात को उस जगह से मत गुजरना, तुझे जाना है तो अभी चला जा और टाइम पर वहाँ पहुँच जाना। ठीक है माँ, कहता हुआ मनोहर बैग लेकर अपनी बाइक पर बैठकर वहां से रवाना हो गया। उसके घर से हमीरपुर कोई दूर नहीं था, यहीं कोई 1 घंटे का रास्ता होगा। कोई धुन गुनगुनाता हुआ मजे से वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक उसे बाइक बहुत भारी लगने लगी। तभी उसे पीछे से किसी ने टोका, अरे भैया, आपके टायर। मनोहर का सिर चकरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। घर से निकलते हुए तो उसने बाइक को ठीक से चेक किया था, तब तो दोनों टायर ठीक थे। अब अचानक से ये क्या हो गया, वो दोनों टायर पंचर कैसे हो गए। खैर, वो एक मैकेनिक के पास पहुंचा और उसने दोनों टायर चेंज करवा लिए और फिर रवाना हो गया। ये सब करने में पूरे 2 घंटे बीत गए। रात के 12 बजने वाले थे, हिंगोटा पास आ रहा था। उसे माँ की बात याद आई, लेकिन फिर एक ही झटके में उसने उस बात को दिमाग से निकाल दिया और फिर से वही धुन गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सड़क सुनसान थी, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कितने बेवकूफ लोग हैं, गांव वालों में से किसी ने अफवाह उड़ा दी और अब सब वही बात को मान बैठे हैं, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसका दिल उसके दिमाग से सहमत नहीं था, उसका दिमाग भूत प्रेत को मानने से इनकार कर रहा था। वहीं उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो उसे पता हो कि कुछ होने वाला है। उसे अपने आप को किसी तरह संभाला और अपनी बाइक को और तेज कर दिया। सर्द हवा के थप्पड़े उसके मुंह पर लग रहे थे। स्टेशन पास आ रहा था, तभी उसकी नजर सड़क की बाईं तरफ पड़ी। एक औरत एक छोटे से बच्चे को लेकर वहां खड़ी थी। वो अपने हाथों से रुकने का इशारा कर रहे थे। हालांकि उसे बाइक रोकने का मन तो नहीं था, लेकिन उस महिला को देखकर उसने अपनी बाइक को रोक दिया। औरत एकदम से पास आई, उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखे थे और पल्लू से अपना मुंह ढका हुआ था। तभी वो बोली, भैया, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे थोड़ा आगे जाना है, क्या छोड़ देंगे। इस पर मनोहर बोला, ठीक है, पीछे बैठ जाइए। औरत उसके पीछे बैठ गई, उसने बच्चे को अपने और मनोहर के बीच में बैठा लिया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। बाइक को चलाते चलाते कुछ देर बाद अचानक उसकी नज़र उस बच्चे के पैरों पर पड़ी।
बच्चे के पैर उसकी जांघों से टकरा रहे थे। उसने फिर से अपना ध्यान रोड की तरफ केंद्रित कर दिया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद महिला ने अपना हाथ मनोहर के कंधे पर रख दिया। मनोहर को लगा शायद उस महिला को सपोर्ट की जरूरत होगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद जब उसकी नजर फिर से बच्चों के पैरों पर पड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे के पैर अब और लंबे हो गए हों। उस औरत के हाथ के उंगलियां और उनके पहने नाखून भी उसे लंबे नजर आए। उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन फिर वो संभल गया और मन से भूत प्रेत वाली बातों को उसने निकाल दिया। लेकिन बार बार उसका मन उस बच्चे के पैर और उस औरत के हाथों को देखने के लिए मजबूर था। जब तीसरी बार उसने नजर दौड़ाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उस बच्चे के पैर लंबे होकर बाइक के टायर के साथ घसीटते चले जा रहे थे। बड़े बड़े राक्षसों जैसे पैर जिनमें बाल ही बाल थे। औरत के हाथ भी लंबे हो चुके थे, उसके पेट तक जा पहुंचे थे। ऐसा नज़ारा देखकर मनोहर के होश उड़ गए। उसने बाइक चलाना बंद कर दिया और अचानक बाइक से कूद पड़ा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे बाइक को वहीं छोड़कर वो वहां से बेतहाशा भागा और भागता हुआ पास के हनुमान मंदिर में पहुंच गया। सुबह होने तक वो वहीं बैठा रहा, बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर अगली सुबह वो मंदिर से बाहर आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात कुछ साल पहले की है, जब मुझे अपने ही एक काम के चलते अपने घर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था। क्योंकि मेरे पास कार थी तो मैंने कार से जाना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी होगी तो मैं किसी भी वक्त घर वापस लौट सकता हूँ। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। काम निपटाते निपटाते दिन कब रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। पहले तो मैंने सोचा कि आज रात यहीं किसी होटल वगैरह में रुक जाता हूँ, मगर फिर सोचा कि मैं तो गाड़ी लेकर ही आया हूँ, क्यों ना अभी इसी वक्त अपनी कार से घर के लिए निकला जाए। जिसके बाद मैंने और कुछ नहीं सोचा, सीधे गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ निकल पड़ा। तब घड़ी में रात के 9:45 बज रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, क्योंकि ये इलाका शहर के बाहर की ओर पड़ता था, तो कहीं ना कहीं रास्ते का ये नजारा जहन में पहले से ही छपा हुआ था। इसलिए ना तो मैं ज्यादा हैरान हुआ और ना ही डरा, उल्टा मैंने खुश होकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक बजा दिया ताकि ड्राइव करते वक्त मैं बोर ना हों और लंबा सफर आराम से कट जाए। रास्ते की हालत कुछ खासा अच्छी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं था। हेडलाइट की पीली सी रोशनी में मैं रोड पे उभरे हुए खड्डों को साफ तौर पर देख पा रहा था। मैं उन्हीं खड्डों की वजह से बार बार गाड़ी की स्पीड कम कर रहा था। हालांकि 250 किलोमीटर का सफर अमूमन 4-4.5 घंटों में पूरा हो जाता है, मगर अभी ही मुझे कार ड्राइव करते हुए 2 घंटे बीत चुके हैं और मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा हूं। पता नहीं घर कब पहुंचूंगा। यही सब सोचते सोचते मैं ड्राइव किए जा रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी। रात के 12:45 कब बज गए पता ही नहीं चला। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे एक बच्चा नजर आया। मगर मैं जब दूर से आ रहा था तब तो उस जगह पर कोई बच्चा नहीं था, तो अभी कहां से आ गया। खैर,
उस बच्चे की उम्र यही कोई 9-10 साल की रही होगी। वो बच्चा हाथ दिखाकर मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा शायद उस बच्चे को कोई मदद चाहिए होगी, और मेरे अलावा इस सुनसान रास्ते पर कौन इसकी मदद करेगा। यही सोचकर मैंने गाड़ी को उस बच्चे के पास ले जाकर रोका। वो बच्चा चलकर मेरी सीट के पास आया और बोला, भैया आप जरा मुझे सामने ढाबे तक छोड़ देंगे। इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक है आ जाओ। जिसके बाद वो बच्चा दूसरी तरफ से आकर मेरी सीट के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दिया। वो बच्चा कुछ अजीब सा था, उसकी आंखों में कुछ अलग तरीके से चमक रही थी जो कि उसे औरों से बिल्कुल अलग दिखा रही थी। पता नहीं क्यों मगर उसका चेहरा भी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपने शरीर को जरा भी हिला डुला नहीं रहा था, बस एक ही पोजीशन पर सीट पर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस बच्चे से पूछा, तुम इतनी रात गए, इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? इस पर वो बच्चा मेरी ओर देखे बिना ही बोला, मैं यहीं रहता हूं, यही घर है मेरा। उस बच्चे की ये बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि रास्ते के अगल बगल यहां तक मुझे एक भी घर नहीं दिखा था। तो फिर ये बच्चा कैसे बोल रहा है कि यहां उसका घर है? ये बात दिमाग में ना घुसने पर मैंने उस बच्चे से पूछा, पर यहां तो आसपास कोई घर नहीं है, तुम रहते कहां हो? इस पर वो बच्चा फिर से मेरी ओर पलटे बिना ही बोला, ये रास्ता यही मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। उस बच्चे की बातों को सुनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। मन ही मन मैं ये सोचने लगा था कि जरूर ये बच्चा दिमाग से थोड़ा हल्का है। जिसके बाद मैंने उस बच्चे से और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। रास्ते पर इतनी देर से चलने के बावजूद भी मुझे अभी तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आई थी। समझ नहीं आ रहा था मैं सही रास्ते पर जा भी रहा हूं या नहीं, और तो और अभी तक मुझे कोई ढाबा भी नहीं दिखा था जहां उस बच्चे को उतरना था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उस बच्चे से कहा, वो ढाबा और कितनी दूर है जहां तुम्हें उतरना है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया, भैया आप गाड़ी चलाते रहो, जब वो ढाबा आएगा तो मैं आपको गाड़ी रोकने के लिए बोलूंगा। मुझे भी लगा बच्चा ठीक ही बोल रहा है, मैं इसे बार बार पूछूंगा, इससे अच्छा वो खुद ही बता देगा और गाड़ी से उतरकर चला जाएगा। इसी दौरान गाड़ी चलाते हुए मैंने एक नजर हाथ घड़ी पर देखा तो रात के 1:15 बज रहे थे। यूं ही कार चलाते चलाते पता नहीं मुझे क्या सूझा, जो मैंने एक दफा नजर घुमाकर उस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि अब उस बच्चे की आंखें पूरी तरह से लाल चमक रही थी, जैसे एक जला हुआ कोयला चमकता है, और साथ ही उस बच्चे का चेहरा भी अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके आधे चेहरे पर तो मांस ही नहीं था। ये सब देखकर मैं इतना डर चुका था कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वो बच्चा मेरी ओर पलटा और एक भयानक सी मुस्कुराहट देकर हवा में कहीं धुआं हो गया और गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गया। मेरी जान में जान आई। मैंने अपने आप को किसी तरह शांत किया और वापस से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। मैं अभी भी काफी घबराया हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसी बच्चे का चेहरा आ जा रहा था। घबराया हुआ मैं
अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कुछ टिमटिमाती लाइटें नजर आने लगी। जब मेरी कार उन लाइटों के करीब पहुंची तो पता चला कि वो एक ढाबा है। मुझे कुछ देर के लिए उस ढाबे पर रुकना ही सही लग रहा था, लिहाजा मैंने अपनी कार को उसी ढाबे के पास रोका और गाड़ी से उतरकर ढाबे पर गया। ढाबे पर बस दो लोग ही मौजूद थे, जिनमें से एक चाय बना रहा था तो दूसरा रोटियां सेक रहा था। मैं ढाबे के अंदर दाखिल हुआ और एक चेयर पर जाकर बैठ गया। मैं इतना घबराया हुआ था कि प्यास के मारे मेरा गला सूखने लगा था। तभी मैंने उस ढाबे वाले से कहा, भाई साहब थोड़ा पानी मिलेगा? मेरे इतना बोलते ही ढाबे वाले ने किसी को आवाज लगाकर बोला, छोटू साहब के लिए पानी दे। कुछ देर के बाद पीछे की तरफ से मुझे एक आवाज आई, भैया पानी लीजिए। आवाज सुनकर मैं पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हाथ में पानी का ग्लास लिए ठीक मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जो कुछ देर पहले मेरी कार से गायब हो गया था। बिल्कुल उसी तरह की शक्लो सूरत, लाल आंखें और आधे चेहरे से मांस गायब। उस बच्चे पर से नजर हटाकर मैंने ढाबे पर मौजूद बाकी दो लोगों की तरफ देखा तो उनका भी चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। मेरी सांसें बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि अगर मैं यहां रुका तो मारा जाऊंगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी स्टार्ट करके भगाने लगा। मेरी सांसें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो रही थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था मगर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ था कि कहीं वो लोग मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, जिस वजह से मैं बार बार गाड़ी के साइड मिरर पर देख रहा था। तभी मैंने देखा कि वही तीनों लोग मेरी कार के पीछे आ रहे हैं। ये देखकर मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दी, मगर मैं गाड़ी को जितना तेज भगा रहा था वो तीनों उतनी ही तेजी से गाड़ी के पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। एक वक्त पर मैंने लुकिंग ग्लास की तरफ देखना बंद कर दिया और गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा। गाड़ी चलाते चलाते मैं जैसी ही उस रास्ते से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंचा कि पीछे से वो तीनों लोग पता नहीं कहां गायब हो गए। बाद में जब मैंने लोगों से इस घटना का जिक्र किया तो पता चला कि दरअसल वो तीनों यानी वो दोनों आदमी और वो बच्चा, वो लोग उसी ढाबे पर काम किया करते थे, मगर एक दिन पता नहीं कैसे एक बेकाबू ट्रक सीधे ढाबे पर आकर घुस गई, जिससे उन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से उन्हीं लोगों की आत्मा वहां भटकती रहती है और उस रास्ते से गुजरने वालों के पीछे पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।